السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. محترم صدر الشام حسد زهدام اور जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, बुलंदी और कामयाबी ने हमारे कदम चूमे। और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और अफात के आसमान से जिल्लत और बस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश करती है। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफर मक्का को होती, क्योंकि कुफर मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश और खरोज के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवारें और दीगर जंग हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उतबा, शाबा, वलीद, अंजला, उमैया बिन खल्फ और अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आजमुदाकार थे। और इधर बेचारे मुसलमान बेसर व सामान कुल तादाद 313 सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट है। एक एक पर तीन तीन चार चार आदमी सवार है और बाहर पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेजा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेजा और कमान नहीं। मोहतरम हजरात, जब मकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफार मक्का बुलंद मकाम पर खैमा जन हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली जमीन पर खैमा जन होना पड़ा। ऐसी जगह पर के अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। जंग के अंदर जितने चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब कुफारे मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है कुफारे मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चों माज और मुआविज के जरिए मारा जाता है, और अब्दुल्ला बिन मसूद उसके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमुल अअलून इन्कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते के तुम सच्चे पक्के मुसलमान है। हजरत, आज हम और तुम उदलुस को नहीं जानते, हालांकि उदलुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी, पूरी दुनिया में शान और शौकत की शोहरत थी। वहाँ की तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, और आज वहाँ की हालत है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाह इस तरह है कि ना सिर्फ है कि मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, इज्जत वाबरों को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन किया गया, जिंदा मुसलमानों को आग में जलाया गया। यही वजह है कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। आप कहीं दूर ना जाए, खुद अपने मुल्क को देखे के आज हमारे साथ क्या है, नहीं किया जा रहा है, कौन से ऐसे मजली में जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही, और आज हमारी हालत है कि आज हम इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते।
मुल्क से निकालने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, कई हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जाता है। मुसलमानों, आज क्यों हमारी हालत ऐसी हो गई है? इस्लाम ने हमें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, मगर अफसोस हमने उसकी कदर ना की और अपने असल मकाम से हट गए। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही और बेतुजई का आलम रहा तो याद रखे के एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बाजमत और सरबुलंद तारीख दुनिया की तमाम तारीखों के सामने सरनिगो नजर आएंगी। आज हमें समझना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारी तरफ तबाही और बर्बादी के हाथ बढ़ रहे हैं, जुल्म सितम के पार टूट रहे हैं, हमें शिकंजों में दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? खूब समझ लो, अगर इसका जवाब हो सकता है तो यही हो सकता है कि आज मुसलमान मुसलमान ना रहे। आज हम